आतंकवादी हमले च जख्मी रघबीर सिंह भी 11 सिख शामिल है। साथ नाल हरप्रीत बड़े हुए ने, हरप्रीत जो 11 सिख है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली की ताजा अपडेट। देखो इस वेले असी एयरपोर्ट पर मौजूद हाँ तो एक सब तो वड्डा गमगीन माहौल है। आ परिवार है तुहानू असी तस्वीरां ना दिखाईए कि जिहड़े सविंदर सिंह उत्थे शहीद होए हमले दे विच जिन्हां दी जान गई इस आतंकवादी हमले तो बाद आ वो परिवार है क्योंकि उन्हां दी अस्थियां अज इत्थे पहुँच रही ने ते जिहड़े अफगानी सिख ने जिहड़े उत्थों आए ने वो भी इत्थे पहुँच चुके हैं। हौली हौली लोग बाहर आ रहे हैं हालांकि प्रेस नाल गल करन तो गुरेज़ कर रहे हैं। एक डर का माहौल भी है लेकिन आज तुसी परिवार है देखो कि आ परिवार जिहड़ा खड़ा है जिहड़ा कि इंतजार कर रहा है कि आखिरी बारी अपने उस शख्स दी जिहड़े अस्थ आ रहे हैं जिहड़ियां उहदियां अस्थियां आ रही ने उन्हां नूं इत्थे देखा जा सके उन्हें लिया जा सके। तुसी देख सकते हो टेलीविजन स्क्रीन पर भी किस तरीके अखा नम ने किवें इन्हां लोगों के हंझू जिहड़े ने लगातार बह रहे हैं कि अपने किवें उस तरीके उत्थे हमले तो बाद किवें अपने अपने तो विछड़ गए। तो लगातार एक कहानी काबल की पहली बारी नहीं इस तो पहला भी होंगी रही। इतने DSGMC का वफद भी जोड़ा है मौजूद है SGPC इन्हों वसाण की गल भी कर रही है कि इन्हों हर तरीके की जी मदद है वो इन्हों की की जाएगी। आ तस्वीर असं तुम्हें दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो जिते कि फ्लाइट काफ़ी देर पहला लैंड हुई सी ते साडे वीजे जेकर तुहानू दिखा सकन कि कुछ अफगानी सिख सानू सामने नज़र आ रहे हैं जिहड़े हुण बाहर आ रहे निकल के शुरू हो चुके हैं। आ तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि कुछ लोग जिहड़े ने आउणे शुरू हो चुके ने बाहर आ चुके ने हालांकि प्रेस नाल गल करन तो लगातार गुरेज़ इत्थे कीता जा रहा नहीं गल की जा रही। शायद उही एक डर है कि जेकर इत्थे कुछ बोलांगे तो उत्थे अपणिआं नूं ना गवा लीए अपने कुछ ना हो जाए उहदा एक वड्डा इत्थे डर बनिया होया। तो यह तस्वीर जिहड़ी है ये इत्थे नज़र आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट की कि जिथे एक पासे गम का माहौल है लोग अपने लैके जिहड़े चले गए उन्हां नूं लैके गमगीन ने तो दूसरे पासे एक भी खुशी जरूर है कि जिहड़े अज 11 लोग उत्थों वापस आ रहे हैं उन्हां वास्ते भी काफ़ी एक राहत है उन्हां परिवारां लई कि अपने अज वतन वापस आए ने इत्थे पहुँच गए हैं। बेशक वो वतन सी अपना घर छड़ना किन्ना औखा है वो इन्हां परिवारों को पुछा जा सकता है। परिवार दस सकते हैं कि किन्नी मुश्किल रही होगी इन्हां वास्ते अपना परिवार छड़ना। तो आ तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट दियां जिथे कि लोग पहुँच चुके हैं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वाले दे इत्थे वफद दे लोग भी इत्थे मौजूद ने उन्हां नाल भी एक बारी गलबात करांगे उन्हां को जानांगे कि किस तरीके का माहौल उन्हां वास्ते रहा इत्थे क्योंकि खासी दिक्कतां सी खासी मुश्किलां सी अपने आनू इत्थे गवा के दूसरे देश आ के अपने आप नू सेटल करना। मैं तुहानू एक वारी तस्वीर दिखानी चाहवांगा कि जिथे कि अफगानी सिख जिहड़े पहुंचे ने जेकर असीं तुहानू दिखा सकीए कि ये लोग इत्थे पहुँच चुके ने। आ तस्वीर है अफगानी सिखां दी जिहड़े आ पहुंचे ने आ तुहानू असीं तस्वीर दिखा रहे हैं। आ तुसीं देख सकदे हो कि अफगानी सिख ने जिहड़े इत्थे पहुंचे ने अज ते लगातार इन्हां दे नाल होर भी जिहड़े लोग ने वो इतने पहुँच रहे हैं इन्होंने एक गल करने की कोशिश करा भाजी अज ही तुम लोग पहुंचे हो इतने कहोजा माहौल है उत्थे ठीक है फिलहाल तो ठीक चल रहा है फिलहाल तो कुछ गल नहीं है। करते प्रवान गुरुद्वारा साहब हमला होया उस तो बाद होर दिक्कत वधी और दिक्कत दी आई दी गया परेशान हुए गुरुद्वारा चले गए सब कुछ खत्म हो रह के की करते हैं असं कुछ नहीं बचे फिलहाल तो तुम की काम करते असं उ यूनानी दुकान है साड़ी शॉप है। की नाम तुहाडा? मेरा नाम असल नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र जी हुण उत्थे हालात की ने किन्ने परिवार होर रह गए? तकरीबन 10-12 परिवार होर रह गए। आज किन्ने लोग तुसी आए हो? आज ऐसे 11 लोग। 11 लोग आ गए। 10-12 परिवार होर रहे। 10-12 फैमिली होर रहे। अच्छा उन्हां दी सुरक्षा हैगी है उत्थे जिथे रह रहे ने? वो इन लोगों ने करके सुरक्षा से फैलान था। गुरुद्वारा साहब दा बहुत नुकसान होया? ज्यादा बहुत ज्यादा पूरा गुरुद्वारा साहब जल गया। तुहानू असीं तस्वीर इन्हां दी गलबात भी कर रहे सन तुसीं इह देख सकदे हो कि इह एक डर दा माहौल लगातार बनिया होया है। तुसीं उस दहशत नूं महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके की वह दहशत है कि जिवें कह रहे हैं कि शायद वो लफ्ज़ भी बड़े गिण गिण के अंदरों निकल रहे हैं कि किस तरीके नाल वो एक नपया तुलिया जा बोल रहे हैं। मैं तुहानू एक वारी फिर असीं कोशिश करांगे इत्थों तस्वीरां दिखाउण दी कि जिहड़े परिवार इत्थे लगातार पहुँच रहे हैं। आ तुहानू असीं तस्वीरां दिखाईए एक पासे आ गमगीन माहौल तुसीं देख सकदे हो अपनी टीवी स्क्रीन ते साडे वीजे दिखा सकण वो बेटी ने उहनां दी ते जाहिर तौर पर अच्छ पिता के अस्थ इतने पहुँच रहे हैं फुल आ रहे हैं उन्होंने लैके खासी एक परिवार वास्ते दर्द है परिवार की सब तो वीडी दिक्कत है। उन्हों का बेटा अरजीत भी असं तुम चाहवे साढ़े कैमरामैन जेकर दिखा सकन कि उन्होंने अखा नम ने पिता को आखिरी बारी देख नहीं सके पिता को आखिरी बारी अलविदा नहीं कह सके तो अच्छ पिता दस्थिया जड़िया ने उन्होंने लैन वास्ते पहुँचे ने तो शायद यही सब तो व्डा एक दुख है जिहड़ा विदेश जिन्हों कहा जाता है। शायद ये लोग उन्होंने मुल्कों गए उन्होंने मुल्कों रहे उत्थे ही पैदा हुए इन्होंने वास्ते विदेश नहीं
इन्हों का अपना घर से, लेकिन अपने घर चो ये लोग किस तरीके बेदखल होए, किस तरीके ये लोग उतों घरों बेघर हो गए, अपनी रोटी वास्ते इन्हों इस मुल्क आना पाया। तो अजय इतने भी कोई अगे गल नज़र नहीं आती, अगे की होएगा पता नहीं, इतने भी पासपोर्ट नहीं मिले, इतने भी कोई हालात नहीं है। परिवार का दुख बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस तरीके परिवार रोंदा करलांदा नज़र आता है। इंतजार है कि वह अस्थियां उन्होंने आनगियां, एक बार अपने जिहड़ा उत्थे चला गया उन्हों आखिरी बारी उन्हों अलविदा कहन लिए आखिरी बारी वो अस्थ नूं देखण वास्ते ये परिवार इत्थे पहुँचा। तुहानूं असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरीके का इत्थे माहौल बनिया होया। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट दीआं तस्वीरां ने जिथे अज 11 सिख जिहड़े वापस आए हैं। देखो बच्चे अपनी माता नूं चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर तौर पर इस दुख का इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन यह दुख यह जहा जिस दुख नूं हुण वंडाण वास्ते अपने लोग ही इत्थे पहुँचे हुए हैं, अपने ही लोग इत्थे नाल ने। तो इंतजार है कि वह अस्थ इत्थे पहुँचणगे। कुछ लोग इत्थे बाहर आ चुके हैं, कुछ ने अजे बाहर आना है। लगातार जिहड़ियां निगाहां ने इस परिवार दीआं सब दीआं बणीआं होईआं ने। अरजीत दस सकोगे एक बारी की माहौल है उत्थे? जाहिर तौर पर तुहाडा नुकसान बहुत वड्डा है। साडा ही नुकसान है, कदे पूरा हो नहीं सकता साडा घाटा, बट माहौल खराब है। जिहड़ी उत्थे दी संगता हैगीआं उन्होंने तुसीं आई ट्राई करो कि इत्थे सुरक्षित लिया जाए, साड़ी बेनती आई है। हुण जो साढ़े नाल पाणा वर्दिया असीं कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तुहाडा दुख बहुत वड्डा। हाँ जी, साडा दुख हुण की तुहानूं दस्सीआं, पर जिहड़ी उत्थे दी संगतां ने उन्हां नूं सुरक्षित लिया जाए, आई बेनती है सरकार तो भी सब तो भी। पिता जी नाल गल हुई सी आखिरी टाइम? मेरी थर्सडे नूं गल हुई सी। हाँ जी, उन्हें मैनूं हर वारी कहिंदे सी, तीन वारी उन्होंने वीज़ा अपलाई किया बट रिफ्यूज़ हो गया, दिता ही नहीं। ये दुख है, तुसी देखो कि एक बेटे का दुख है कि गल भी हुई लेकिन आखिरी समय पिता नूं नहीं देख पाण दा। तो जाहिर तौर पर बड़ा मुश्किल समय परिवार वास्ते कि परिवार अपने जान वाले नूं आखिरी टाइम मिल भी नहीं पाया, देख नहीं पाया। हुण सिर्फ इंतजार है कि उन्हां दे जिहड़े अस्थ ने वो इत्थे पहुँचण, तो उस तो बाद उन्हां नूं ते घट्टो घट्ट एक बारी देखा जाए। परिवार का दुख समझा जा सकता है कि एक परिवार ने अपने लोग गवाए ने, तो हुणे अपने आखिरी वारी एक अलविदा कहण लई उन्होंने आखिरी वक्त देखण लिया। तस्वीर देखो, इस तस्वीर नूं देख के समझा जा सकता है कि यह दुख किड्डा वड्डा है उस परिवार वास्ते, किन्ना वड्डा नुकसान इस परिवार का होया। अरजीत जिहड़े बेटे जिन्हां नाल हुण गल कीती सी, अरजीत भी दस रहे हैं कि वो नुकसान जिहड़ा कदी पूरा नहीं हो सकता। बेटी सामने नज़र आउंदी है, उन्हां दे मिसेज सामने नज़र आ रहे हैं, होर परिवार के लोग नाल ने। सिर्फ अखां च हंझू ने, आंसू ने, दर्द है, दुख है, जिस दुख नूं शायद कोई होर अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सिर्फ उही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन्होंने अपना गवाया है। तो एक दर्द ये भी कि वीज़ा अप्लाई किया लेकिन वीज़ा नहीं मिलया, शायद वीज़ा मिल जाता तो ये जिहड़ा भाणा वरत्या ये कभी ना वरतदा। तुहानूं एक होर मैं इत्थों तस्वीर दिखावां कि अपने जिहड़े इत्थे कुछ पहुँचे ने उन्होंने इदां दा इस्तकबाल किया जा रहा, उन्हों का खैर मकदम किया जा रहा। तस्वीरां ने आ देखो तुसीं, जिहड़े कुछ लोग उत्थों इत्थे वापस पहुँच गए ने। आ तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट की कि जिहड़े कुछ अफगानी सिख उत्थों वापस आए ने, अपने हुण अपने मिल रहे हैं, लेकिन वो दुख तुसीं देखो कि अरजीत ने पिता दीआं अस्थियां अरजीत नूं देतीआं गईआं ने। आ तस्वीर है कि पिता नूं अरजीत दीआं अस्थियां उन्हां दीआं फड़ा दित्तियां गईआं ने। आ तुहानूं तस्वीर असीं दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो कि पिता दीआं अस्थियां अरजीत दे हाथ च ने। तो तुसीं माहौल देख सकते हो किस तरीके का यह माहौल है, कि इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है कि आ अरजीत दे हाथ च अस्थियां ने पिता दीआं। आ देखो आ तस्वीर है कि किस तरीके दे सिल, आ तस्वीर है सामने दिल्ली एयरपोर्ट ते किस तरीके दे नाल देख सकते हो कि आ परिवार वास्ते पिता दीआं अस्थियां नूं किस तरीके दे नाल वो बेटा जिहड़ा हुणी साडे नाल गल कर रहा सी कि वीज़ा नहीं मिलने करके पिता नहीं पहुँच सके, तो पिता नूं आखिरी वारी गल नहीं हो पाई, अलविदा नहीं कह पाए, तो पिता नूं देख नहीं पाए। आ तस्वीरां ने दिल्ली एयरपोर्ट दीआं, तुसीं देखो कि उस परिवार का दुख उस परिवार का दर्द देखा जा सकता है कि जिस पिता नूं देखना सी। तुसीं देखो इत्थे माहौल जिहड़ा काफ़ी गमगीन हो गया, पिता दीआं अस्थियां लै के हुणे लोग पहुँचे ने। आ तस्वीर आ देखो, ये तुहानूं असीं तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जिथे कि ये लोग इत्थे अपने उस अस्थियां नूं सविंदर दीआं अस्थियां दे, तुसीं ये गमगीन माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके दे नाल परिवार रोंदा करलाउंदा नज़र आ रहा। इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता कि हर वो शख्स जिहड़ा इत्थे मौजूद है जिहड़े इत्थे उन्हां नूं नाल लैण आया सी किस तरीके नाल लोग रो रहे हैं। ये तस्वीर ने कि अपने खून का की दर्द हो सकता है, किस तरीके नाल गए, सिर्फ अखां च आंसू ने,
सिर्फ निराशा नज़र आती है, अखा छंझू नज़र आते हैं कि किस तरीके असी इस परिवार का उस दुख को मनाने वास्ते बाकी जिहड़े नाल लोग पहुंचे आई तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो कि किस तरीके परिवार को हुण अस्थियां मिली तो किस तरीके सिर्फ चंद एक पूरे शख्स का कुछ चीज़ा जड़िया मिली तो वो अस्थ सिर्फ हुण मिले जिन्हों आखिरी बारी अलविदा नहीं कह पाए जिन्हों अलविदा कहना सी लेकिन वीज़ा नहीं मिलया तो वीज़ा ना मिलने के कारण यह होया कि अपनों ने अपनों को गवा दिता जिसनों नाल मिलना सी जिस दे नाल रहना सी उसनू मिल नहीं सके हुण अपना जिहड़ा वो अलविदा कर गया। तस्वीर देखो इन तस्वीर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दुख कितना वड्डा है। इन्हां दुख का अंदाजा शायद परिवार ही लगा सकता है, कोई नहीं इस दुख या दर्द को बयान कर सकता लेकिन इन्होंने अपनों को गवाया तो अपने छड़ के किस तरीके अज चले गए हैं। आ तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट दियाँ कि जोड़े अस्थ अज इतने लैके आने से वो अस्थ इतने पहुँच चुके हैं। तुसी आ तस्वीर देखो बेटा माँ को संभाल रहा तो एक पासे हाथ च पिता के अस्थ ने उन्हां तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का माहौल इतने रहा है। आ सविंदर दियाँ अस्थियां इतने जड़िया ने वो पहुंचिया ने परिवार रोंदा करलाउंदा होया आखिरी बारी बेटी है बेटा है उन्होंने मिसेज ने नाल ते इन अपनिया भिजिया अखा ना हंजुआ दे नाल ये लोग इत्थे उस परिवार दे नाल इत्थे मौजूद जिहड़े नाल लोग आए ने वो इत्थे पहुँचे ने नाल उन्होंने साडे नाल एस जी पी सी वालों सुरेंद्र सिंह ने। सुरेंद्र जी किस तरीके दे नाल हुण तुसीं इन्हां लोगों अगे फैसिलिटेट कर रहे हो? ये जो साडा वफद सिखां दा अफगानिस्तान दे उस घटना तो बाद भारत दे विच आया है इन्हां दे दुख विच शरीक होने लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नुमाइंदे सरदार अमरजीत सिंह चावला सकत्तर सिमरजीत सिंह कंकरी सारे पहुँच रहे हैं। इन्हां दा एयरपोर्ट तो घर जाके जाण दा प्रबंध और अफगानिस्तान तो भारत विच पहुँचने का जो प्रबंध है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों माणयोग प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी के कहे अनुसार किया गया है। सारिया ही परिवारों के नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संवेदना जाहिर की जाती है। इन्हां दे दुख विच हर तरीके दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदा ही नाल इन्हां दे खड़ी रहेगी। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। तो जिवें दस रहे हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी फाइनैशियल असिस्टेंस दे रही है, हर तरीके की मदद करेगी लेकिन आ परिवार का दुख जिहड़ा है इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके दे नाल हुण इत्थों जिहड़ियां उन्हां दीआं अस्थियां ने उन्हां नूं इत्थों लै के जा रहे हैं। ये परिवार है ये तुसी देख सकते हो किस तरीके दियां ये तस्वीरां ने, तस्वीरां अपने आप बयान कर रही ने किन्ना दर्द किन्ना दुख अपने पिता जिस पिता दे हाथ फड़ के तुरना सिखिया उस पिता दियां अस्थियां नूं अज इस तरीके नाल लैके जा रहे हैं। उस परिवार का दुख शायद ही कोई समझ सकता है। काफ़ी भावुक समा भावुक जगह उन्हां वास्ते उस परिवार लई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर अख जिहड़ी है वो इत्थे नम है। तुहानू असीं तस्वीर दिखा रहे हैं कि पिता दी अस्थियां लै के लोग इतों रवाना होंदे हुए इतों परिवार आ तस्वीर है कि पत्नी उन्हां दी बेटी भी नाल मौजूद नाल अखां सब दियां नम दुख है कि अपने लोग जिहड़े नेड़े अपने सन उन्हां अखीरली वारी नहीं देख सके अखीरली वारी उन्हों अलविदा नहीं कह सके तो हुण जदों आखिरी वारी समा भी आया देखण दा तो किस तरीके नाल उन्हां नूं देखण नूं मिलिया एक थोड़ी जी चीज़ उन्हां दीआं सिर्फ अस्थियां असीं पा के विदा हो रहे हैं। आ तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट की जिथों कि अज एक फ्लाइट RQ 4401 तो ये जिहड़े 11 लोग सन पहुँचे तुहानूं मैं तस्वीर दिखा रहा हाँ उस बेटे की कि किस तरीके नाल वो बेटा परेशान है किस तरीके दे नाल वो बेटे की हालात है किन्ना उस परिवार के उत्ते कहर होया सारी जिम्मेदारी उस परिवार के उस बच्चे उत्ते आ गई तो अंदाज़ा इतों लगाया जा सकता है कि ये किन्ना परेशान ने बच्चे वो किन्ना परिवार परेशान है किन्ना बेटा परेशान है। आ तस्वीर असी दिल्ली एयरपोर्ट तो अपने दर्शकों दस दिखा रहे हैं परिवार जिहड़ा वो हम अस्थियां लैके इतों निकलिया तो 11 लोग जिहड़े लोग इत्थे इन्हां दे नाल पहुँचे जिन्हां कुछ ना असी गल भी की उन्हां दा कहना सी कि हालात ठीक नहीं उत्थे हालात बहुत ज़्यादा खराब ने तो आ हुण इतों अस्थियां लैके लोग निकल रहे हैं। तो तस्वीर असी तुहानूं दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो कि लैके अस्थियां इन्हां दी जा रहे हैं। असी कोशिश करांगे जेकर जो कुछ होर अफगानी सिख इतने पहुँचे ने जेकर अभी उन्होंने भी गल कर सके तो सुना सकी है कि उतों के आखिर हालात कहो जो बने हुए हैं।
क्योंकि इस परिवार का दुख बिल्कुल समझा जा सकता है। सविंदर सिंह के सहुरा साहब नाल नज़र आ रहे हैं, बाकी परिवार जिहड़ा नाल है इतों हुण ये लोग जा रहे हैं, इतों लैके निकलणगे ये लोग, तो इतों वा जिहड़ा महावीर नगर जिहड़ा गुरद्वारा साहब उत्थे जाया जाएगा परिवार को, तो बाकी परिवारक जन भी उत्थे मिलणगे। आ गड्डी हुण इतों जा रही है, रवाना होणगे ये लोग। तो जाहिर तौर पर दुख बड़ा वड्डा है, इस दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना वड्डा यह दुख रहा कि एक परिवार जो कि अपनी रोजी रोटी कमाता सी उस जगह उत्ते, तो उत्थे किस तरीके दे जो गुरद्वारा साहब करते प्रवान ते हमला हुंदा है, तो उस हमले तो बाद इन्हां दी जान चली जाती है। तो ये अज परिवार अस्थियां उन्हां दीआं पहुंचियां कि वह कह रहे हैं कि जिहड़ा शायद वीज़ा ना मिलने करके, वीज़ा नहीं मिलिया तो उहदे करके एक साडा बड़ा वड्डा नुकसान हो गया, जे वीज़ा मिल जाता तो शायद ये नुकसान ना हुंदा। जी बिल्कुल हरप्रीत, हर एक अख जो है दम है और दुखों का पहाड़ जो है परिवार से टुट गया। जिस तरीके के नाल तस्वीर असी देखिया बेहद गमगीन सीगियां और एक जिम्मेदारी जो है एक बेटे ते पै गई है, जिस तरीके नाल देखा जा सकता है कि 11 सिख भी मुड़े ने और उत्थे ये जो दुखों का पहाड़ जो है इस परिवार से टुट गया है। और इतने कहा जा सकता है हरप्रीत, जिस तरीके के नाल उस बेटे नाल तुसीं गल कीती सविंदर दी बेटी दे नाल, उन्हां वल्लों कहा गया है कि हुण जिन्ने भी सिख संगत उत्थे फसी हुई है साडी गुजारिश है कि उन्हां नूं उत्थों वापस लिया जाए। हालांकि एस जी पी सी वालों लगातार कोशिशां जो है वह जारी है उन्होंने कड़न। असीं तुहानूं एक वारी सुणाउण दी कोशिश करांगे, इत्थे कुछ लोग पहुंचे ने कि उह की गल कह रहे ने, फिर तुहानूं सुणावांगे उहनां दी गल। गुरुद्वारा तो हमारा इबादतगाह कह दें, गुरुद्वारा कह दें, वो था और उसके साथ हमारे भाई जो है ना जिसका घर नहीं था उसको भी हमने जगह दी थी, वो भी रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, कोई मुश्किल नहीं थी। तो ये बहते जी मैं एक गल दसा, हालात डर वाला हालात है भाई साहब, ऐसी बात क्या कहें। जितना भी आप कह दो कि भाई ये है वो है, मगर हम डर तो लगता है, हमको नहीं मुसलमानों को भी खुद डर लगता है, नहीं तो क्यों भागे जाएँ। ऐसी नहीं कि हमको डर है, हमको हम लोगों से तो ख़ास करके जो अफगानी हमारे आम पब्लिक है बहुत, अभी भी हम एयरपोर्ट में आ रहे थे तो बहुत गले मिल रहे थे, बहुत लोग गुरुद्वारा साहब करते प्रवानदा काफ़ी नुकसान हुआ है इस हमले। जी हाँ जी, को गुरुद्वारे में काफ़ी नुकसान हुआ है और उन्होंने भी वादा दिया है कि गुरुद्वारे में हमने पूरी पूरी कोशिश करके गुरुद्वारे में वे उसको बना। कितने सिख अपने रह गए थे, कितने परिवार हो? देखो जी दो त्रै शहर हैं जो जिसमें गजनी है, कंधार है, जलालाबाद है, ऐसी जगह में सरदार हैं। पूरी गिनती तो ऐसा मुझे भी पता नहीं है क्योंकि अलग अलग शहर में रहते हैं, तो सिर्फ इतनी बात यह है कि ये लोग 150 के केड़े शहर तो आए तुसी? ये जी करते परवान गुरुद्वारा, ये जो गुरुद्वारा जो करते परवान क्या है, मेरे दादाजी ने शुरू तो ही बड़ी कोशिश से बनाया था इसको 60 साल इसकी। तुसी इमोशनली भी उस गुरुद्वारा साहब ना जुड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो दो टाइम पाठ करते, एक सुबह शाम को हम रहराज साहब पढ़ते थे और सुबह हम प्रसाद की देग में बैठते थे। जो नाम की सदा साहब जी, मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मेरी हर जगह जी। मनमोहन जी जो तुम हूँ उतो आए हो, हूँ उ की हालात है, अपने किन्ने परिवार गुरुद्वारा साहब चाहिए? गुरुद्वारे के साहब के विचार तो जी परिवार नहीं है, सब गुरु की कृपा से लोग निकल गए थे। कुछ हमको शक हो गया था, हम परिवार निकाल देते, परिवारों में कुछ नहीं था, जो जो लोग जरे रह रहे थे वो रह रहे थे, वो कुछ निकल गए तो कुछ एक सरदार जी हमारा फंस गया, जो उसकी हस्ती हम अभी लेके आए हैं। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। तो ये तुसी देखो कि ये परिवार जिहड़े उत्थों आए ने जिहड़े अफगानी सिख, वो अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग साढ़े उत्थे रह गए, कुछ ही परिवार उत्थे रहे ने, बाकी लोग हुण ज़्यादातर चले गए जिहड़े जी 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 मनमोहन जी के भारत सरकार का भी बहुत धन्यवाद जो इन्होंने साड़ी मतलब मदद की थी है, तो साढ़े वीजे शो किए ने, ते नाले श्रोमणी कमेटी प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने उसकी टिकट उसका खर्चा जो है ना उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सरदार जी आप लोग मतलब। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा, अपना घर छड़ना बड़ा औखा, हुण दूसरे मुल्क जाके जिंदगी किवें शुरू होएगी अगले सिरे तो सोचा? देखो जी असी जिस तरह सख्ती दे नाल पले फोसे हैं, जो वाहगुरु करता असं उसके तो बड़ा भरोसा रखते हैं। सिख कौम के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह की मेहर है, गया उसका आशीर्वाद है, उसने कहा है कि मैं गुरु सिख रखांगा काबुल में, आप ये जो मर्यादा उन्होंने दसी है गुरु गोबिंद सिंह ने, असी उस मर्यादा नूं अगर रखिए तो मेरे यकीन है इधर आके सुरक्षित महसूस हो रहा है, हिफाजत लग रही है। जी जी मेरी तो फैमिली इधर ही है, तो मैं दिल्ली में मैं मतलब ड्राइव
ड्राई फ्रूट का मतलब सप्लायर था, इंडिया में भेजता था, हमारे फादर का काम यही था। तो इंडिया में तो कैसे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, सुरक्षित के हिसाब से दिल्ली से बढ़कर जगह दूसरी नहीं है भाई। पापा वापस आ गए ने, एक खुशी नजर आ रही है चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेंशन सी क्योंकि इस तरीके से हालात जो होता दूर होता तो बड़ी उत्थे बंदा नहीं करता, सौ तरीके से दिल दे विच आंदे ने, सवाल आंदे ने कि भाई किस तरह होएगा, फिर रिलेटिव भी थोड़े जे परेशान हो जाते हैं, तो कॉल भी आती है ज़्यादा, तो फिर वो दिक्कत महसूस, मगर हूँ रिलीफ महसूस हुई है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट नूं ते जिन्हें जिन्हें ने ये हेल्प की उहदा धन्नवाद है, मेहरबानी है, बहुत मेहरबान धन्यवाद। तो लोग ने जो उत्थों पहुँचे ने, तुहानूं होर एक बार इत्थों तस्वीर दिखाने आ जी। बिल्कुल, सो लोग इतने पहुँच चुके हैं, तस्वीर लगातार असं अपने दर्शकों को पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके देखा जा सकता है कि इतने उस वेले की तस्वीर ने जब सविंदर की जो अस्थियां जो लैके पहुंचे थे और इतने उसके बेटे जब सौंपिया गई अस्थियां, तो उस वेले का हाल देख सकते हैं। पुत्र का जब अपने पिता की अस्थियां लैके वह जा रहा है इतों, और ये तस्वीर वाकई ही देख के सब की अखा नम हो जा, किस तरीके अपने पिता की अस्थियां लैके बेटा जा रहा है और परिवार से दुखों का पहाड़ जो है टुट गया। सो इतने हालांकि 11 अफगान सिख जो है वापस आ चुके हैं, श्रोमणी कमेटी वालों ये सारा खर्चा जो है चुकया गया, SGPC वालों ये सारा खर्चा जो है चुकया गया। लगातार कोशिशा की जा रही सगिया इन्हों लिया, और लोगों वालों धनवाद भी किया जा रहा। उत्थे ही जो सविंदर का जो बेटा से अजीत, उस वालों ये कहा गया कि जिन्हें भी सिख संगत उत्थे फसी है उन्होंने भी हुण इत्थे लियाना चाहिए क्योंकि माहौल उत्थे बहुत खराब है। जिन्हें भी लोग इत्थे वापस लौटे ने, वापस परते ने, उन्होंने कहना है कि माहौल उत्थे बहुत खराब है और एक डर का माहौल उत्थे बनया होया है। सो किसी भी तरीके दे नाल तमाम सिख इत्थे पहुँचने चाहिए ने, लेकिन इत्थे सवाल यह भी खड़ा होंदा है कि ये जब अपना घर छड़ के तमाम सिख इत्थे भारत में पहुँच रहे हैं, हुण इन्हां दी अगे किस तरीके दे नाल एक नवी जिंदगी की शुरुआत करनगे। सब तो वड्डी चुनौती इन्हां दे लई होएगी कि नवी जिंदगी की शुरुआत इन्हां नूं करनी पएगी, और एक वड्डी चुनौती। हालांकि SGPC वालों तमाम कोशिशां जो है कीतियां जा रही ने इन्हां नूं भारत लियांदियां, जिस नाल नाल इन्हां दे रहण दा और जो खर्चा है सारा चुकया जा रहा है। श्रोमणी कमेटी वालों तमाम कोशिशा जो कीतियां जा रही हैं, लेकिन इतने जो तस्वीर एक पासे जो 11 सिख परते ने राहत वाली तस्वीर है, लेकिन जिस तरीके दे नाल सविंदर सिंह के परिवार से दुखा का पहाड़ टुट गया, यह भी एक गमगीन माहौल जो है इतने बन गया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक, ब्रेक तो बाद भी खबर।